सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Vivo X60 Pro Plus दोस्तों यहां पे ये है प्रो से एक कदम आगे Vivo X60 लाइनअप में, और यहां पर दोस्तों बहुत ही दमदार इसका कैमरा होने वाला है। कल मैं आपके लिए लेके आया था वीडियो Vivo X60 Pro की, आज दोस्तों बात करते हैं इसी X60 Pro Plus के बारे में और देखते हैं आखिर Vivo ने क्या कुछ पैक किया इसी फोन में, इसी फोन के कैमरा में। आप दोस्तों वीडियो सभी का भी लाइक और शेयर कर दीजिए, बिकॉज मजा बहुत चंद आने वाला है और अंदर से एक्साइटमेंट इनटू 100 हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू और मैं करता हूं जल्दी दोस्तों यहां पे इसी बॉक्स की सील्स को ब्रेक। और ऐसे में ये दोस्तों आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो है बाय द वे इंडिया में सबसे पहले, जो कि दोस्तों हम अक्सर लेके आते रहते हैं टीजी फैमिली के लिए। यहां दोस्तों पैकेजिंग काफी सिमिलर लग रही है X60 प्रो की ही तरह, और जैसे हम करते हैं बॉक्स को ओपन देते हैं क्या क्या दोस्तों वीवो ने पैक किया है। तो सबसे पहले हमारे पास में रखा हुआ है ये फोन, और ये है एक लेदर फिनिश में दोस्तों आता है फोन, जिसका नाम है कलर का एम्परर ब्लू। सबसे पहले है एक 55 वॉट्स वाला ये वीवो फ्लैश चार्ज 2.0 अडैप्टर। बहुत सही बात है, आई मीन बॉक्स में चार्जर मिलना ही अपने आप में बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, और यहाँ पर दोस्तों को मिल रहा है 55 वॉट्स वाला चार्जर। साथ में है ये हार्ड केस जो कि अगेन फोन को प्रोटेक्ट करेगा। सिम ट्रे टूल, कुछ यूजर मैनुअल्स, USB-A टू USB-C केबल, ईयरफोन्स, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और एक हेडफोन जैक अडैप्टर। तो आई मीन बॉक्स में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं इसी फोन के साथ में। बात करते हैं दोस्तों सीधा इसी फोन के बारे में, हटाते हैं प्रोटेक्शन को, बिकॉज यहाँ पे जो एक्साइटमेंट है ना इस फोन को लेके वो वैसे भी बहुत ज़्यादा सा है। ओ क्या बात है, आई मीन दोस्तों यहाँ पे ये जो लेदर फिनिश के साथ में फोन आ रहा है ना, ये डेफिनेटली एक प्रोफेशनल ग्रेड टूल लगता है। और आई मीन लगता है कि यार यहाँ पे ये जो कैमरा असेंबली दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा सीरियस बिल्कुल जो है वो स्टफ होने वाला है इसी फोन के साथ में। मैं दोस्तों अगर करता हूँ इसी को बूट और आपसे बात करता हूँ कुछ और डिटेल्स के बारे में इसी X60 Pro Plus स्मार्टफोन से जुड़ी हुई। पहली बात तो जो इन हैंड फील है दोस्तों इस फोन के अंदर, ये बहुत ही सही मिल रही है। अगेन इसके अंदर दो तीन रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि दोस्तों यहाँ पे जो लेदर बैक है यार, ये बहुत ही सॉफ्ट और ग्रिपी फील होता है। दूसरी बात ये कि जो फोन का स्क्रीन है वो इतना ज्यादा दोस्तों बड़ा नहीं है, जो आजकल देखते हैं फोन्स में भैया पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े स्क्रीन ऐड कर देते हैं कंपनीज, तो यहाँ पे काफी कॉम्पैक्ट भी फील होता है और काफी लाइट वेट भी दोस्तों फोन फील होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम करते हैं शुरुआत एक्चुअल फिजिकल ओवरव्यू के साथ में, तो फोन में राइट साइड में हमारे पास में है पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसके ठीक साथ में है यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर। ऊपर दोस्तों बिल्कुल एकदम फ्लैट साइड है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी लिखा है और यहाँ पे आता है ये सेकेंडरी माइक्रोफोन के साथ में। यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और फोन में नीचे है एक ड्यूअल सिम स्लॉट, प्राइमरी माइक्रोफोन, साथ में दोस्तों यहाँ पे USB-C पोर्ट के बगल में लगी हुई स्पीकर ग्रिल। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें पीछे की तरफ, तो ये आता है इसी वीगन लेदर के साथ में, जो कि यार बहुत सही लग रहा है और आई मीन काफी प्रीमियम इस फोन को लुक देता है इसी ब्लू शेड के साथ में। जहाँ दोस्तों हमारे पास में है ये, और आई मीन दोस्तों ये जो कैमरा लेआउट है यहाँ पे आप देख के ही एकदम इंस्टेंट दोस्तों फैसला कर पाएंगे कि यार डेफिनेटली जो कैमरा है ना वो इस फोन में बहुत ही सीरियसली वीवो ने लिया है, और यहाँ पे बहुत सारी दोस्तों चीजें ऐड करी होंगी। जहां पे हमारे पास में है दोस्तों ज़ाइस ब्रांडिंग के साथ में आने वाला ये एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप, जहां पे दोस्तों हमारे पास में टी स्टार कोटिंग है नो यहाँ पे यूज की हुई ज़ाइस की तरफ से, तो मतलब जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो बहुत ही अल्टीमेट होगी। सबसे पहले दोस्तों लगा है एक 48 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि दोस्तों आता है गिम्बल स्टेबिलाईजेशन 2.0 टेक्नोलॉजी के साथ में। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है दोस्तों, यहाँ पे एक गिम्बल लगा है इसमें, जो फिजिकली जो है वो आपके मूवमेंट्स के अगेंस्ट मूव करता है और आपको बहुत ही स्मूथ स्टेबल फुटेज देगा और अलग अलग जगहों पे हेल्प भी करेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे लगा है एक सैमसंग का GN150 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा, अगेन दोस्तों ये आता है 1x1.3 इंच सेंसर साइज के साथ में, और ये 1.57 दोस्तों आपको मिल जाता है अपर्चर यहाँ पे। तो F1.57 का मतलब लो लाइट के अंदर भी आप बहुत ही बेहतरीन दोस्तों फोटोज क्लिक कर पाएंगे। साथ में फिर हमारे पास में एक 32 मेगापिक्सल्स का कैमरा सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए, जो कि 50mm इक्विवेलेंट लेंस के साथ में आता है। तो यहाँ पे साथ में दोस्तों एक और जो कैमरा लगा है वो है 8 मेगापिक्सल्स का 5x पेरिस्कोप जूम या फिर अप टू 60x डिजिटल जूम के साथ में। तो 48 प्लस 50 प्लस 32 प्लस 8
वो 2+2 वाला सिस्टम निकाल दो, भूल जाओ, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सीरियसली कैमराज को लेकर काम किया है वीवो ने। साथ में दोस्तों हमारे पास में है यहाँ पे ट्रिपल LED फ्लैश, ऑफकोर्स जाइस की ब्रांडिंग है। अगर उस सबसे बात करता हूँ फोन में यहाँ पे सामने की तरफ, बिकॉज कैमरा को लेकर थोड़ा डिटेल में बातें बात करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में है ये एक 6.56 इंचज का AMOLED स्क्रीन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। तो यार यहाँ पे दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और अगेन जो स्क्रीन क्वालिटी है वो बहुत सही मिल रही है। हमारे पास में लगा है यहाँ पे सेंट्रली अलाइन पंचोल के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर उसको मिल जाता है इस फोन के अंदर, वो भी हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर 5 नैनोमीटर से बेस्ड है, 5G के साथ मिल जाता है। साथ में है 12 GB की LPDDR5 रैम, और यहाँ पे साथ में अप टू 3 GB की वर्चुअल रैम का भी स्कोप है इफ इन केस जरूरत पड़ जाती है, तो मतलब टोटल रैम जो है वो हो जाएगी अप टू 15 GB की इक्विवेलेंट। साथ में है 256 GB की UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज, 4200 mAh की बैटरी, अगेन हमारे पास में 55 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आता है फ्रंट टच OS के साथ में, फिलहाल एंड्रॉयड 11 पे चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इस फोन के अंदर चीजें पैक की है ना हर एक तरीके से, वो बहुत ही सही है। और इनफैक्ट ये जो स्क्रीन है ये हल्का हल्का आपको दोनों तरफ से कर्व्ड मिलता है, और वो भी जो है वो काफी इस फोन को और ज्यादा प्रीमियम बना देता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ इस फोन के कैमरा के बारे में, जो कि अगेन यू नो एक मेन हाईलाइट रहेगी, जहां पर दोस्तों हमारे पास में जो ऑप्शन मिल जाते हैं, इस कैमरा ऐप में दोस्तों आप जाके बस देखिए, और उसके बाद में आपको इतने सारे सो तरह तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं ना अलग अलग स्टाइल में फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए। मैंने दोस्तों इनफैक्ट वीवो X60 Pro से एकदम अंधेरे में एक फोटो क्लिक की थी, रिजल्ट्स अगर आपके सामने है, तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो एक लेवल और आगे ही निकल के आती है। आप दोस्तों चाहे वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं तो एकदम स्मूथ आप वीडियोज रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो फोटोज हैं रियर कैमरा से या फ्रंट कैमरा से बहुत ही बेहतरीन दोस्तों निकल के आ रही है, आप फिलहाल कर अपने पे देख ही पा रहे हैं। तो यहां पे यार कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब चाहे हम बात करें एक्सट्रीम डार्क सिचुएशंस की, चाहे दोस्तों बात करें यू नो बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही स्टाइलिश फोटोज क्लिक करने की या फिर बहुत ही स्मूथ वीडियोस बनाने की, यहां पे दोस्तों जो फोन है ये डेफिनेटली केपेबल है। और फिर अगर हम बात करें जूम की, तो अगेन बहुत दूर की चीजें भी आप सीधा बहुत ही पास देख पाएंगे इसी फोन के साथ में। यहां पर दोस्तों इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे जो बायोमेट्रिक्स वगैरह है वो भी बहुत ही फास्ट है, वीवो ने ही दोस्तों यहां पे जो है वो पहली बार शुरुआत की थी अपने X21 के साथ में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की, और वो इस फोन के अंदर भी बड़े आराम से दोस्तों काम करता है। और ऐसे में जो फेस अनलॉक है वो तो लिटरली आपको बस ऐसे देखना है और फोन सीधा जो है वो अनलॉक हो जाएगा। यहां पर दोस्तों ये जो फोन है, अब क्योंकि AMOLED स्क्रीन को मिल जाता है ना, तो जो कंटेंट आप इस पर अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप अपने फेवरेट वीडियोस वगैरह जो है वो लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और खैर अगर बात करें एंजॉय करने की, तो थोड़ा सा म्यूजिक को एंजॉय कर लीजिए। क्या बात है, तो मतलब यहां पर दोस्तों ये है Vivo X60 Pro Plus स्मार्टफोन। नाम से मालूम चलता है कि यार डेफिनेटली ये प्रो से भी एक कदम आगे होने वाला है। तो यहां पे यार ये देखो ना, मतलब अगर आप किसी ऐसे फोटो खींचो और अगर आपके पीछे ऐसा कैमरा सेटअप दिखे अपने फोन में, तो मतलब आप समझ सकते हो ना कि मतलब कितना सीरियसली दोस्तों यहाँ पे कैमरा को लिया गया है, और बहुत ही प्रीमियम डिजाइन और यू नो कंप्लीट जो एक पैकेज हमको मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों इसकी इंडिया में जो प्राइस है वो है 69,990 रुपीज, जो कंप्लीट X60 लाइनअप है उसमें प्राइसिंग स्टार्ट होती है 37,990 से X60 के लिए, फिर X60 प्रो आता है, और फिर हम बात करते हैं X60 प्रो प्लस की। अब मेरे पास में तो प्रो भी है और प्रो प्लस भी है, और कुछ हम प्लान कर सकते हैं वैसे। मैं जल्दी आपके लिए एक सरप्राइज तो खैर लेके आने ही वाला हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस जो है ये आप सभी भी उठाएं इसी शानदार से कैमरा का। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और बताइए आपकी मन की बातें क्या है इसी फोन के बारे में नीचे कॉमेंट करते हुए। मेरे ख्याल से तो यार एक बहुत ही एक अल्टीमेट मास्टरपीस है कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से वीवो की तरफ से, और फिर परफॉर्मेंस तो खैर साथ में हमको मिली जाती है। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।